नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो फार्मा शेयर्स जिसमें आपको लास्ट चांस है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेने का। तो चलिए इन दोनों शेयर के बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारा आरती ड्रग्स, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। थोड़ा सा शेयर में कॉन्शियस रहना है कि मार्केट में गिरावट आता है तो आपको इसमें भी गिरावट देखने मिलेगा, और जब मार्केट में तेज़ी होगा तो देख सकते हैं ये 5% तेज है एक दिन में। देख सकते हैं यहाँ पर 2952 रुपये दाम है अभी आरती ड्रग्स का, ये 2700 रुपये तक आ चुका था। तो आपको वहाँ बाय करना चाहिए था, क्योंकि जब इसमें मार्केट में तेज़ी होगा अगले दिन भी संभावना है कि मार्केट में तेज़ी बनी रह सकती है। तो वैसे में फिर से ये आपको 3000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो समझ सकते हैं 2700 रुपये का स्टॉक अभी आपको दो ही दिन में 3000 रुपये का क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में आपको जब गिरावट आता है तो उस समय बाय करना चाहिए। फिर जब स्टॉक बोनस देगा तो फिर आपके पास कुछ समय बाद बोनस आ जाएगा। जैसे बोनस आता है एक्स बोनस डेट पर आपका जो स्टॉक आप बाय किए हैं वो नेगेटिव में दिखाएगा, आपको जो है वो 60% नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब आपके पास एक शेयर के बदले चार शेयर होगा तो 75% तक नेगेटिव होगा। अगर 1:1 तो 50% नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो 3:1 है तो 75% नेगेटिव रिटर्न दिखाएगा। वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमारा 75% लॉस करा दिया। दोस्तों थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको बोनस आने में टाइम लग सकता है 10 दिन, 1 महीना, जितना भी समय लगे। तो जब बोनस शेयर आपके अकाउंट पे आ जाएगा तो वो बैलेंस फिर से आपका मेंटेन हो जाएगा, और आपको अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉफिट भी आपको दिखाएगा। क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर मेरा बोनस शेयर अभी नहीं आया। तो दोस्तों नए में हमें भी इसी तरह दिक्कत होता था, नया में हमने भी कई बार शेयर बाय किया था और बोनस देने के बाद काफी समय लग गया बोनस को आने में। तो वैसे में हमें भी दिक्कत होता था कि हमारा तो अकाउंट माइनस में चला गया। तो आपको धैर्य रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और जो शेयर आपका मतलब बोनस शेयर आएगा उसके बाद आप शेयर को बेच भी सकते हैं, या जो शेयर आपके अकाउंट में है उसे भी बेच सकते हैं, फिर भी बोनस आएगा। मतलब एक्स डेट के बाद अगर आप शेयर बेच भी देते हैं आपका बोनस शेयर आएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो एक्स बोनस डेट है देख लीजिए आरती ड्रग्स का, वो है 30 सितंबर। तो अब आपके पास आज हो गया 26 सितंबर, तो 26 सितंबर हो गया सैटरडे है, और 27 सितंबर आपको हो गया 27 सितंबर संडे। तो आप 28 सितंबर तक मात्र खरीद सकते हैं, या 29 सितंबर तक कहिए कि आप खरीद सकते हैं। 30 सितंबर एक्स बोनस डेट है तो 29 तक आप खरीद सकते हैं। 2 दिन आपके पास खरीदने का और मौका है, लेकिन तभी खरीदिएगा जब इसका शेयर प्राइस आपको लगे कि ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाने की संभावना नहीं है तो आपको स्टॉक नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बोनस के बाद स्टॉक काफ़ी मतलब जब बोनस इश्यू एक्स डेट हो जाएगा तो काफ़ी नीचे आ जाएगा स्टॉक का प्राइस। तो आप चाहे तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं, मतलब एक्स बोनस डेट के बाद बाय कर सकते हैं। अगर है शेयर 2 दिन में काफी ऊपर जाने वाला है बोनस शेयर को लेकर के, तो आप जरूर बाय करें। और दूसरा शेयर हमारा लुरुज लैब, ये स्टॉक स्प्लिट करने वाला है। तो पहला था आरती ड्रग्स जो कि आपको बोनस शेयर देने जा रहा है 3:1 का, जो कि काफी बेहतरीन बोनस रेशियो है, और दूसरा है लुरुज लैब, ये आपको स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है। तो दोस्तों ये भी काफी बेहतरीन शेयर है, अभी देख सकते हैं 2.76% अप है। ये भी स्टॉक 1400-1500 का हुआ करता था, अभी ये नीचे काफी नीचे आया था 1300 तक आया था, आप 1300 से भी नीचे आया था, आप 1300 के नीचे आप इसे बाय कर सकते थे। अब इसमें भी काफी तेजी है, तो 2-4 दिन इसमें भी टाइम है आपको, आप इसमें भी चाहे तो बाय कर सकते हैं, लेकिन तभी बाय करें जब इसमें भी आपको तेजी देखने मिले। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें मात्र आपको एक ही दिन है टाइम बाय करने का, वो है 28 तारीख को। अगर आप 28 सितंबर को बाय कर लेते हैं तो आपको 29 सितंबर को एक्स बोनस डेट है, उस दिन ये स्टॉक्स देखते हैं 5 गुना प्राइस कम हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये इस स्टॉक को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये स्टॉक आपको मात्र 300 से भी नीचे देखने मिलेगा, 300 से भी नीचे देखने मिलेगा ये स्टॉक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें तेजी अगर बनी रहेगी तो बाय करते हैं, ये नहीं तो आपको एक्स बोनस डेट को बाय करना है, क्योंकि उस दिन स्टॉक 300 से कम रुपये का हो जाएगा, तो आप उस समय चाहे तो बाय कर सकते हैं। एक बात याद रखना है, इसका काफ़ी शेयर प्लेस्ड है प्रमोटर्स का, देखिए नीचे आइए, ये देखिए प्रमोटर्स का शेयर 31.56% प्लेस्ड है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेस्ड है, तो स्टॉक जो है फंडामेंटली थोड़ी सी वीक है, लेकिन टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा अभी मोमेंटम है इस स्टॉक में, मतलब फार्मा के सारे स्टॉक में। तो ये 2 बेहतरीन शेयर था जिसमें आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट का अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो तभी लें जब स्टॉक में तेजी बनी रहेगी, वरना आप इसमें एक्स बोनस डेट के बाद या एक्स बोनस डेट को बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को
पूरा देखिए, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में जितना आपको रिटर्न मिल सकता है उतना ही ज़्यादा है कि आपका कैपिटल जो है लॉस में भी जा सकता है, तो स्टॉप लॉस को हमेशा ज़रूर लगाइए। तो इसमें भी जैसे आप बाय करते हैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, आप जो है 5% रिस्क ले सकते हैं तो 5% पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, 10% ले सकते हैं 10% पे रिस्क तो 10% पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, फिर तो रिटर्न तो स्टॉक है तो काफ़ी ज़्यादा है, आगे आपको 100% रिटर्न मिल सकता है, 1000% मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।